आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर आई है दोस्तों। भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है और ये तो बस एक ट्रेलर है। मजबूत जीडीपी भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति और समृद्धि को बयां कर रहा है। रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। 2023-24 में जीडीपी विकास दर 8% के पार हो गया है। तीसरी तिमाही में जबरदस्त उछाल की वजह से जीडीपी ग्रोथ 8.2% पहुंचा है। लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे। पाकिस्तान को एक एक पाई की जरूरत है, एक एक पाई की हमें जरूरत है। बाहर से हमें डॉलर आए और ये बैन कर रहे हैं सोशल मीडिया को। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। जस्ट अ मैटर ऑफ ईयर कि इंडियन जीडीपी विल लाइकली बी एट $4.33 trillion इन 2025 एज कम्पेयर टू जापान विच विल बी 4.31। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने ये रिकॉर्ड हाँ। नहीं है, है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है।, है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है ये रिकॉर्ड। मेंबर अब ये बात हो रही है मोदी कैसा इंडिया चलाएगा। आधा इंडिया ठहरा हुआ है दोज हु आर एंटी मोदी एंड आधा इंडिया जो है वो खुश भी है कि हाँ यार ये आएगा तो ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि एक ऐसा लड़का जो मोहल्ले में कामयाब हो जाता है ना तो घर वाले उसे कहते हैं यार इसकी गल सुन, जब उसको नौकरी मिल गई थी उसको वही हो गया था, उसने पढ़ा अच्छा, उसे जाओ बेटा उसे जाके पूछ के आओ कैसे होता है। नरेंद्र मोदी वो बच्चा है इंडिया का जिसने तरक्की कराई है, जो इंडिया को अगर 5वीं बड़ी इकॉनमी बनाया है और बहुत सारी चीज़ों में, वी हैव स्पोकन सो मच ऑन दिस। तो अब सारे कह रहे हैं यार वो जो करेगा ना सही करेगा, वो हमारे लिए अच्छे फैसले करेगा, यार उसको करने दो। दैट्स हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। वो आपस में बेशक लड़ रहे हैं लेकिन इकॉनमी से ही डिलीवर कर रही है, इकॉनमी में कोई टेंशन नहीं है। इतनी सर्टेनिटी डाल दी इलेक्शंस में, इतनी सर्टेनिटी डाल दी कि इकॉनमी हिली भी नहीं यार। ऑन कॉन्ट्रेरी दिस इज गुड फॉर इंडिया। अगर अनसर्टन माहौल होता, अगर उन्होंने मोदी साहब की पर्सनैलिटी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब तो ये इंडिया के अंदर ये भी परेशानी बन गई है कि अब अगर मोदी आ गया तो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू, क्या होगा और कैसे होगा और क्या कर सकता है। ठीक है ना जी, क्या कर सकता है वो, ये इस लेवल पे चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। अब वो क्योंकि कह रहा है मैं बड़ी मेजोरिटी से जीतूंगा, मैं जो है ना वो छोटी मोटी मेजोरिटी से नहीं जीतूंगा। ठीक है, 400 अब की बार मोदी सरकार और 400 का नारा लगा हुआ, तो वो जिसे कहते हैं ना पूजा भी बड़ी हो रही है, सारा कुछ बड़ा हो रहा है। वो मेरा ख्याल है क्या कन्याकुमारी गए हुए थे मोदी साहब। ठीक है, सो ऑब्वियसली इज अ डिवोटेड हिंदू एंड ही हैज अ राइट टू प्रैक्टिस व्हाटएवर ही वांट्स टू प्रैक्टिस। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि मोदी साहब का जो कद है वो बहुत ऊपर निकल गया, वो इवन कि आरएसएस बीजेपी के वो स्ट्रक्चर से भी ऊपर निकल गया। आज मे भी मोदी कहे ना कि आप बीजेपी वो अपनी नई पार्टी भी खड़ी कर ले तो मे भी लोग उसमें चले जाएं। मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव, आज मोदी साहब ये कहे कि मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूं और मैं कोई और पार्टी बनाने लगा तो मे भी वो हर चीज़ अपने साथ बहा के ले जाए। दैट्स हाउ इंडिया इज लाइक दिस मेरी नज़र में। मुझे ये बताएं जो आप कहते हैं कि मेरे फेवरेट लीडर या जिनकी पॉलिसीज आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पसंद हैं वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। भाई ये रिकॉर्ड बनाना ये कोई आपके लिए बड़ी बात होगी, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है कि वो तीसरे वजीर आजम इंडिया के बन रहे हैं, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने ये रिकॉर्ड हाँ। नहीं है, है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं ये रिकॉर्ड नहीं है, है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है ये रिकॉर्ड नहीं है। और मैं क्या क्या कुछ आपको बताऊं कि क्या क्या रिकॉर्ड है ये तो हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कमेंट्स के बीच में कि क्या क्या रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के, और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है। ठीक है, और इस पे तो ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद तारीख में हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पर ये तारीफ कह लें या ये कह लें कि न्यूज चलाई जा रही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब
फेल हो गई है। इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है, ठीक है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। वो तीन बार वजीर आजम बने और तीसरी बार तो इतने कुछ स्ट्रॉन्ग होकर वजीर आजम बने कि अब उनके फैसले जो है ना बड़े जबरदस्त चलेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा सिलसिला चलेगा उस चीज का। चले ये तो 4 तारीख को बाकायदा तौर पर, ये तो जो हम मीडिया से देख रहे हैं या यूट्यूब से सोशल मीडिया से या प्री पोल के थ्रू जो भी चीजें सामने आ रही है उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं। 4 तारीख को ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देगी, उनके जो भी मतलब ये इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस कर देंगे, तब पता चलेगा कितनी सीटें जो बीजेपी ने ली या दूसरी पार्टीज ने जितनी भी सीटें ली वो बन गए, लेट्स सपोज वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान को इंडिया में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं ये तो मैं आगे जाके बात करूंगा, फायदा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है इस चीज को लेकर। देखिए इसके ऊपर मैं फिर दोबारा आपको एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा, और हिस्ट्री से आइडिया होता है कि पिछले वक्त में क्या गुजरा और क्या चीजें हमने खो दी, किस वजह से खो दी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए 1998 में जब इंडिया ने 5 धमाके किए मुसलसल जो है ना 5 धमाके किए, ठीक है, उसी 1998 में समथिंग एक महीने बाद या कुछ देर बाद पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए, उसके बाद एक और एटमी धमाका किया, इंडिया दुनिया का 6वां बड़ा जो है ना एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना, उसके बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना। अच्छा जब ये दो मुल्कों ने एटमी पावरें बना ली, शुएब भाई एटमी पावर बना तो ली छोटी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या तबाही तैयार की इस चीज को भी सोचिए कभी, ये भी छोटी कि बात दो बड़े मुल्कों ने, एक इंडिया बहुत ही बड़ा मुल्क और एक पाकिस्तान उससे बहुत छोटा मुल्क, लेकिन इन दोनों मुल्कों ने एटमी पावर बन गए एटॉमिक पावर। और मेन चीज ये थोड़ी सी मैं थोड़ा सा मेन चीज ये कि दोनों आपस में हरीफ मतलब दोनों आपस में 3 जंगे कर चुके हैं। हाँ ये चीज बड़ी अच्छी बात आपने ऐड की है कि जो आपस में दुश्मन है जिनकी कभी बनती ही नहीं है, अच्छा वो मुल्क दोनों पावरफुल बम बन गए, बम भी इन्होंने बड़े सॉलिड किस्म के बम बनाए इन्होंने। अब देखिए इस चीज में एक इंडिया के बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट वजीर आजम थे उस टाइम के वाजपेयी साहब। हाँ, बिल्कुल। तो वाजपेयी साहब जो है ना जब उन्हें नजर आया कि ये दो मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं और इनकी वजह से खिता सारा तबाही की तरफ जाएगा, तो वो समझदार थे, वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप उन्होंने अच्छी करने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, इवन के आपको याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान पे तारीखी स्पीच जो है ना वो इन्होंने की थी, वाजपेयी साहब ने तारीखी स्पीच की थी, उस स्पीच में भी अमन और पीस की बात की थी, इवन के एक लाहौर मायदा हुआ था वो मायदा भी आपको याद होगा, पीस एग्रीमेंट के नाम से वो एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा लाहौर मायदा जो हुआ था ना उस मायदे में ये लिखा गया था कि दोनों कंट्रीज आपस में जंग नहीं करेंगी या बम का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अभी देखिए जब वो वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए आके उन्होंने उसके बाद वो दोस्ती बसें भी चली, दोस्ती ट्रेनें भी चली, सारे मामलात हुए। मैं पूछना ये चाहता हूँ अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने दोबारा से हमारी यादें ताजा की, दोबारा से वो बातें छेड़ दी नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में बताते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए, इधर मुआहदे हुए, लाहौर मुआहदा भी हुआ, पीस एग्रीमेंट हुआ, तो वो जब इंडिया पहुंचते हैं तो पीछे से मुआहदा टूट जाता है, कारगिल की वॉर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को माना है, इस चीज को कहा है कि हमने मुआहदा तोड़ा है, हमसे गलती हुई है ये।